हेलो माय ऑल लवली स्टूडेंट्स एंड माय ऑल फ्रेंड्स आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे फ्रेंड्स आज का जो लेक्चर है क्लास सिक्स का कंप्यूटर का लेक्चर चल रहा है प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ लिया था सेकेंडरी मेमोरी सॉरी एक सेकेंड सेकेंडरी मेमोरी एंड उसके जो टाइप्स हैं ठीक है वो सारा हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में अगर आप लोगों ने ये वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके देखिएगा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और प्रीवियस लेक्चर अगर आप नहीं देखेंगे तो आप इस लेक्चर से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे ठीक है तो विजिट जरूर आप लोग कर लीजिएगा चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में सॉफ्टवेयर क्या होता है फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम ठीक है सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का सेट होता है ठीक है जो कि हार्डवेयर कंपोनेंट को कंट्रोल करने का काम करता है क्योंकि बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर का कोई मतलब नहीं है ठीक है बाय मैनेजिंग द हार्डवेयर स्पेसिफिक जॉब और टास्क इज परफॉर्मड ये सिर्फ हार्डवेयर को ही मैनेज नहीं करता है ये स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है ठीक है क्योंकि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो स्पेसिफिक अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं अलग अलग उनका टास्क होता है ठीक है सिर्फ हार्डवेयर को मैनेज करना उनका टास्क नहीं होता सॉफ्टवेयर कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ठीक है आइए देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का समूह है ठीक है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ हार्डवेयर एंड गिव्स एंड इंटरफेस टू द यूज़र टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर अब इसे नॉर्मल लैंग्वेज में जानते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है प्रोग्राम का एक समूह होता है ठीक है ये हार्डवेयर के फंक्शन को कंट्रोल करता है और साथ में यूज़र और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड प्रो कराता है जिससे यूज़र और यूजर और कंप यूज़र कनेक्ट हो पाए ठीक है थीके? यूज़र यानी हम हो गए और कंप्यूटर और इसके बीच में अगर सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक इंटरफेस एक बेस प्रोवाइड कराता है ठीक है जे अगर हम कोई भी काम करते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर है कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, है उसी पे काम करेंगे ना तो एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है कनेक्ट होने के लिए यूज़र और कंप्यूटर को ठीक है इट आल्सो प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू रन अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ये सिर्फ इंटरफे इंटरेक्ट करने के लिए इंटरफेस नहीं प्रोवाइड करता है ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि अपल्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन कर सके ठीक है अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटी प्रोग्राम लाइब्रेरी प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स ये कुछ एग्जाम्पल है सिस्टम सॉफ्टवेयर के ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटी प्रोग्राम्स लाइब्रेरी प्रोग्राम्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर ये कुछ एग्ज़ाम्पल हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के ठीक है इसे आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ऑप्शन दे देंगे इसमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है तो आपको पता होना चाहिए कंपिटेटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है ठीक है तो आप लोग को इस चीज़ का ध्यान रखना है सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटी प्रोग्राम लाइब्रेरी प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर ये एग्जाम्पल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का ठीक है चलिए देखते हैं ब्रेन बॉक्स में क्या है विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप जो आपका विंडोज़ है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ठीक है विंडोज़ क्या है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने ठीक है जिसे डेवलप और मैनेज करने का काम करता है माइक्रोसॉफ्ट और नाइन्टी परसेंट ऑफ द पीसी मार्केट और पर्सनल मार्केट में नाइन्टी परसेंट पर्सनल कंप्यूटर में विंडोज़ का यूज़ होता है ठीक है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज टेन इज़ द न्यूएस्ट अवतार ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ टेन है ये न्यू वर्जन है ठीक है यानी ये लेटेस्ट वर्जन है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का विन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ टेन आजकल कोई भी लैपटॉप वगैरह देखिए आप लोग उसमें विंडोज़ टेन आपको मिलेगा ये क्या है न्यूएस्ट अवतार न्यूएस्ट वर्जन है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का ठीक है आइए देखते हैं अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखिए सॉफ्टवेयर का टू टाइप्स है सिस्टम सॉफ्टवेयर अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर राइट कि आपने देखा आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर देख लिया और इसके एग्जाम्पल भी देख लिया आपने ठीक है अब पढ़ते हैं अप्लीकेसन सॉफ्टवेयर के बारे में ये क्या होता है अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आल्सो कॉल्ड एप्स जो आपका अप्लीकेसन सॉफ्टवेयर होता है उसे हम ऐप भी कहते हैं ऐप से तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे अपलीकेशन सॉफ्टवेयर क्योंकि हर कोई फोन यूज़ कर रहा है फ़ोन में हम ढेर सारे ऐप्स डाउनलोड करते हैं ठीक है थीके? टू कैटर द एस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द जनरल यूज़र्स और ये जो apps होता है ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो जनरल सामान्य लोगों की जो रिक्वायरमेंट होती है उसे पूरा करता है ठीक है जैसे हम गैलरी का यूज़ गेमिंग app और वीडियो कॉलिंग app कई सारे app यूज़ करते हैं ना तो ये क्या है जनरल यूज़ है इसका अक्सर लोग यूज़ करते हैं ठीक है ठीके? एक स्पेसिफ़िक रिक्वायरमेंट है जिसे पूरा करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ठीक है इट परफॉर्म्स यूजफुल टास्क अदर देन रनिंग द कंप्यूटर एट कंप्यूटर में रन करने के अलावा भी एक यूजफुल टास्क परफॉर्म करता है अब जैसे गेमिंग ऐप है आपका तो उस पर वो उसका क्या है? एक स्पेसिफिक टास्क है उसका ठीक है यूजफुल टास्क है आपकी कैलरी हो गई आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं उसको उस पर क्या स्पेसिफिक उसका टास्क है आप उस पर चैटिंग करते हैं लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं ठीक है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एडोब फोटोशॉप कोरल ड्रॉ इट्स एक्ट्रा सम एग्ज़ाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफ ऑफिस एडो फोटोसॉप कोरल ड्रॉ ये सब क्या है कुछ एग्जाम्पल हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ठीक है तो ये सब क्या है आपके कुछ एग्जाम्पल हैं एप्लीकेसन सॉफ्टवेयर के अप्लीकेसन सॉफ्टवेयर बोले तो एप्स ठीक है और आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर बोले तो विंडोज़ सेवन विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ टेन ये सब क्या है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एक थोड़ा सा डिफरेंस है आप लोग कंफ्यूज होंगे जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो अब जैसे किसी लैपटॉप में कोई एक सॉफ्टवेयर है विंडोज़ टेन तो उस पर ही पूरा सिस्टम रन कर रहा है ठीक है आपका जो फंक्शन है लैपटॉप का वो पूरा विंडो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है आपका विंडोज़ टेन वो बेस है पूरा उसी पे सारा उसके अंदर आप कई सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं आप समझ में आया आप लोगों को सिस्टम सॉफ्टवेयर और अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिफरेंस सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा चाहे ऑपरेटिंग कोई भी एक आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा कोई एक यूटिलिटी प्रोग्राम लाइब्रेरी प्रोग्राम कुछ भी एक होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर ठीक है जिसके अंदर आप कई सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं ठीक है इसमें आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी और आप लोग कंटिन्यूस विजिट करते रहिए लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा आप लोग लेक्चर देते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं ठीक है और प्रीवियस जो भी लेक्चर्स हैं आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए और आपको परेशान होने की ज़रूरत है आपको कंप्लीट सिलेबस में कंप्लीट कराऊंगी यहाँ पे ठीक है स्टेप बाय स्टेप चलेगा एक साथ सारा लेक्चर लॉन्ग टाइम का हो जाता है आप लोग भी बोर हो जाते हैं इसलिए छोटे छोटे पार्ट में आपको लेक्चर मिलते रहेंगे ठीक है थैंक यू सो मच बी हैप्पी स्टे हेल्दी बाय बाय